कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में, यानी एपिसोड 3 में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ गति के साथ, और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक और रोचक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है चतुर चौकरी। यह कहानी बहुत मजेदार है और प्रेरक भी है। उसके बाद हम बढ़ते कदम कहानी को पढ़ेंगे जिसमें यह बताया गया है कि रीवा कैसे स्पोर्ट्स कोच बनी। इसके बाद हम कक्षा 10 की शुरुआत करेंगे और कक्षा 10 में हम गणित के वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में बिहार की कृषि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल पर चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि आप अपने घर से सुबह चलते हैं अपने स्कूल के लिए, जो कि 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप स्कूल उस रास्ते से नहीं जा सकते और आपको घूम कर जाना पड़ता है, जो कि 7 किलोमीटर का पड़ता है। तो इसमें आपके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी होगी और घर से स्कूल तक का विस्थापन क्या होगा? इसका उत्तर है कि घर से स्कूल तक की दूरी होगी 7 किलोमीटर और विस्थापन होगा 4 किलोमीटर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिट यानी कि मात्रा क्या होता है। इसके बाद हम ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि यानी जिसे हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इनको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों, यूनिट किसी भी मात्रा का मानक माप होता है। जैसे कि वेट को मापने के लिए हम आमतौर पर किलोग्राम यूनिट का प्रयोग, टाइम को मापने के लिए हम घंटे मिनट्स सेकंड्स का इस्तेमाल करते हैं, और लंबाई मापने के लिए हम मीटर किलोमीटर आदि का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, हमें पता है कि इंडिया में केजी का इस्तेमाल किया जाता है भार को मापने के लिए, पर क्या हर जगह केजी का इस्तेमाल होता है? नहीं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में हम केजी का प्रयोग नहीं करते हैं भार मापने के लिए, वहां हम पाउंड्स का प्रयोग करते हैं, और पाउंड्स भी एक प्रकार का मात्रक है यानी कि यूनिट है। तो अब यहाँ से सवाल आता है कि केजी का प्रयोग किया जाए या पाउंड्स का प्रयोग किया जाए। तो हमें आवश्यकता पड़ती है एसआई यूनिट की, यानी कि मानक मात्रक की, एक ऐसा यूनिट जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हो। ऐसे यूनिट सिस्टम माप के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सिस्टम है। इसमें 7 बेस यूनिट्स आती हैं, जो कि इस प्रकार है: मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, किलोग्राम एंड कैंडेला। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। इनको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए ये एक बच्चा है जो कि तालाब के किनारे है, और इसने एक पत्थर उठाया और तालाब में कुछ इस प्रकार फेंका। पत्थर ने ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी को तय किया, और अगर आप सबसे छोटी दूरी देखें तो ये होगा बिंदु ए से बी तक की ये वाली दूरी। अगर हम पत्थर के रास्ते का विश्लेषण करें तो पत्थर किसी विशिष्ट दिशा में नहीं गया, वो इस प्रकार गया। तो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस यानी कि दूरी, और ये एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि में सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है, डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होती है।
परिमाण इस केस में ये है कि ये पत्थर कितनी तेजी से गया। अब दोस्तों, A बिंदु से B बिंदु के बीच में सबसे कम दूरी होगी विस्थापन, जो कि एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। इसी प्रकार से दोस्तों, गति यानी कि स्पीड, भार यानी कि मास इत्यादि अदिश राशि है, क्योंकि इनका सिर्फ परिमाण होता है। जैसे कि ये कार कितनी तेजी से जा रही है या पत्थर का भार कितना है। इसी प्रकार वेग, बल, त्वरण इत्यादि सदिश राशि है, क्योंकि इनके परिमाण के साथ साथ इनकी दिशा भी होती है। जैसे कि गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा में जा रही है, तो ये हो जाएगा सदिश राशि। आशा करती हूँ कि आपको पढ़ाई गई सारी बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। डेली क्विज क्वेश्चन 1, निम्न में से कौन सा सदिश मात्रक है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु की स्थिति एक डैश मात्रक है। ऑप्शन ए अदिश, ऑप्शन बी सदिश, ऑप्शन सी वस्तु के स्थान का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी टन, ऑप्शन डी मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का डैश कहते हैं। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी वेग। सही उत्तर 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 ए, 5 सी। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के पाठ 3। इस पाठ का नाम है फ्रांस की क्रांति। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति या जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं, उसकी विश्व के इतिहास में क्या भूमिका रही। हम ये भी जानेंगे कि इस फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। 1789 की फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में एक नया दौर शुरू किया। इस क्रांति के शुरू होने से यूरोप में राजतांत्रिक व्यवस्था का अंत शुरू हुआ। सिर्फ यही नहीं, फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था में नए विचार आए, जो कि थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। दोस्तों, इन तीन विचारों को फ्रांस की विश्व के इतिहास में अहम विरासत माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद है, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से लौटने के बाद फ्रांसीसी सैनिकों ने अपने देश जाकर फ्रांस की जनता के बीच राजतंत्र के बारे में जागरूकता फैलाई। दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ाई की। अमेरिका से प्रभावित हो अब फ्रांस की बारी थी कि वो अपने देश में बदलाव लाए। चलिए देखते हैं फ्रांस की क्रांति शुरू होने के कारण क्या थे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारणों की। दोस्तों, फ्रांस में राजतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। 1774 में बूर्बो राजवंश के लुई 16 गद्दी पर बैठे। दोस्तों, लुई 16 एक निरंकुश और अयोग्य राजा, वे फिजूल खर्ची भी बहुत ज्यादा करते थे। इस राजा का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतोइनेट से हुआ था। अपने पति की तरह ये राजकुमारी भी बहुत खर्चीली थी। मैरी अंतोइनेट उत्सवों में बहुत पैसे उड़ाती थी।
और जो भी उनके जान पहचान के लोग थे उनकी मदद करने के लिए वे राजकार्यों में भी दखल अंदाजी करते। वर्साई शहर में स्थित राजा का महल भी कुछ इसी हालत में था। राजा के महल में करीब 15,000 ऐसे अधिकारी थे जो कोई काम नहीं करते थे लेकिन वेतन के रूप में धन राशि जरूर लेते थे। ये दोनों खर्चीले तो थे ही, साथ साथ इनके शासन के दौरान फ्रांस की आर्थिक स्थिति भी बहुत नाजुक थी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिका की सहायता करी और वहां के 13 उपनिवेशों को आजाद करवाया। इस कारण फ्रांस का खर्चा 10 अरब लीवरे से भी ज्यादा बढ़ गया था। दोस्तों, लीवरे फ्रांस की पुरानी मुद्रा का नाम है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, सप्तवर्षीय युद्ध जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था उसके कारण भी फ्रांस का वित्तीय गड़बड़ाया हुआ था। लुई 16 का अपने राजतंत्र पर इस कारण नियंत्रण नहीं रहा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ्रांस के राजतांत्रिक व्यवस्था में एक संसदीय संस्था थी जिसे स्टेट्स जनरल कहा जाता है, लेकिन इस संसदीय व्यवस्था का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि सन 1614 के बाद 175 वर्षों तक इस संस्था में कोई बैठक नहीं हुई। इसी के साथ साथ राजा की निरंकुश नीतियों पर रोक लगाने के लिए फ्रांस में एक पार्लियामेंट नाम की संस्था भी गठित की गई। इस संस्था को न्यायालय के रूप में गठित किया गया, लेकिन इस संस्था पर भी राजतंत्र ने पूरा नियंत्रण रखने की कोशिश करी। यहाँ के न्यायाधीशों के पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित किए जाते थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसे के बल पर अपनी बात मानने के लिए बाध्य कर सके। दोनों राजा और रानी मिलकर अपने शासन का दुरुपयोग करते थे जिससे जनसाधारण राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। राजतंत्र के इस हालात के चलते सन 1789 तक आते आते जनसाधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगे। चलिए देखते हैं इस क्रांति से पहले फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था किस तरह थी और जानते हैं कि इस क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के समाज का विभाजन 3 एस्टेट्स यानी कि श्रेणियों में बटा था। चलिए देखते हैं ये श्रेणियां किस प्रकार थी। दोस्तों, हम इन श्रेणियों को एस्टेट कहते हैं। प्रथम एस्टेट पर थे पादरी जिनकी जनसंख्या लगभग 1,30,000 थी। अंग्रेजी में पादरी को क्लर्जी कहते हैं। दूसरे एस्टेट पर थे अभिजात वर्ग या फिर कुलीन वर्ग, अंग्रेजी में इन्हें नोबिलिटी कहते हैं। इस वर्ग में 40,00,000 व्यक्ति थे। तीसरे वर्ग में आते थे जनसाधारण जिसमें बड़े व्यापारी, शिक्षित वर्ग, किसान, नौकरी मजदूर आदि होते थे। दोस्तों, तीसरे एस्टेट की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। फ्रांस का 90% बनाने वाली ये तीसरी एस्टेट बहुत असंतोष में थी क्योंकि इन्हें तरह तरह के कर चुकाना पड़ते थे। स्वामी की सेवा करना, उनके घर और खेत में काम करना, सैन्य सेवाएं और कई कठिन काम इस वर्ग के हिस्से में आते थे। डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक आदि इस वर्ग में शामिल थे जो शहरी क्षेत्र में रहते थे। ये मिलकर मध्यम वर्ग बनाते थे। दोस्तों, अंग्रेजी में मध्यम वर्ग को कहते हैं बुर्जुआ। दोस्तों, इस बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग में सबसे ज्यादा असंतोष था और इन्होंने इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, ये मध्यम वर्ग सुयोग्य और संपन्न होते हुए भी कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं कर पाए। ये राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित थे और राज्य के सभी बड़े पद
कुलीनों के लिए सुरक्षित किए जाते हैं। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमान व्यवहार करते थे। इसी कारण फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता है, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया। दोस्तों, फ्रांस की सामाजिक स्थिति को देखते हुए वहां एक नारा था जो कि कुछ इस तरह था, द नोबल्स फाइट, द क्लर्जी प्ले एंड द पीपल पे, जिसे हम पढ़ेंगे, कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जन साधारण उनका खर्च जुटाते थे। चलिए, ये तो थे इस क्रांति के सामाजिक कारण। अब देखते हैं इस क्रांति के आर्थिक कारण। विदेशी लड़ाइयों और फिजूल खर्च राजा के चलते हर साल फ्रांस में आय से अधिक व्यय होता था। इस खर्चे की पूर्ति करने के लिए कर लगाने की प्रथा प्रचलित थी और ये कर भी फ्रांस के समाज पर असमान तरीके से लगाए जाते थे। हर 5 या 6 साल बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। इन पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर के नाम से जाना जाने लगा। कर वसूलते समय ये पूंजीपति अधिक से अधिक कर वसूलते थे और सरकार को एक निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम अपनी जेब में रख लेते थे। इसके चलते तीसरी एस्टेट को अत्यधिक आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता था। राजकोष के घाटे की भरपाई करने के लिए किसानों पर भी तरह तरह के कर लगाए जाते थे। किसानों को भूमि पर टेले नाम का एक कर चुकाना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें एक टिथे नाम का धार्मिक कर भी देना होता था। इन करों के चलते किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही थी। इन करों के बोझ के साथ ही साथ इस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, जिसके चलते देश में मशीनों का प्रयोग शुरू हो गया था। इसकी वजह से हाथ से काम करने वाले कारीगर और मजदूर बेरोजगार हो गए। इन्होंने क्रांति के समय राजा के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ दिया। चलिए दोस्तों, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने सीखा फ्रांस के राजा लुई 16 और रानी एंटोनेट की अयोग्यता के बारे में और फ्रांसीसी क्रांति शुरू होने के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया से पार्ट 3, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति, जरूर पढ़िएगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के सैनिक, धार्मिक, बौद्धिक और विदेशी कारण क्या थे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है आपके इतिहास के पार्ट 3, फ्रांस की क्रांति के भाग 1 का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, फ्रांस की संसदीय संस्था का नाम क्या था? एस्टेट जनरल, वेस्टमिंस्टर संसद, स्टेट्स जनरल या इसमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, 1774 में फ्रांस की गद्दी किस राजा ने संभाली? लुई 14, जॉर्ज तृतीय, मैरी 16 या लुई 16। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस में द्वितीय एस्टेट कौन सी थी? पादरी, जनसाधारण, कुलीन वर्ग या किसान। आपका अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नोबल, बुर्जुआ, क्लर्जी या एस्टेट। आपका अगला प्रश्न है, किसान जो कर भूमि पर चुकाते थे उसे क्या कहते थे? टिथे, टैले, स्टैंप कर
या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढते हैं। धन्यवाद। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। चलिए अब एक कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है चतुर चौकड़ी। कभी ना कभी हमारे साथ ऐसा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या लड़की अकेले किधर जा रही है, हम छोड़ दे। मैं अकेली हूँ लेकिन कमजोर नहीं। पकड़ो इन्हें। लड़कियों को परेशान करने में शर्म नहीं आती? थैंक यू मैडम, आपने सही समय पर आकर गुंडों को सबक सिखा दिया। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि बनूंगी तो पुलिस वुमन ही बनूंगी। और फिर हम सभी ने सीखना शुरू किया। लेकिन कुछ रास्ते अलग होकर भी साथ जुड़े रहते हैं। फलक, हमें तुम्हारे पुलिसकर्मी बनने के सपने की कद्र है, लेकिन हम दोनों आत्मरक्षा अकेडमी शुरू करना चाहते हैं। और वहाँ से एक नया सफर या एडवेंचर शुरू हुआ। हमारी ट्रेनिंग पुलिस अकेडमी में होने लगी तो मेरी दोस्त एंटरप्रेन्योर बनने के रास्ते पर थी। सपने अगर सच्चे हो तो पूरे भी होते हैं, बस उसके लिए हिम्मत लगती है। जितनी ज्यादा महिलाएं पुलिस में होंगी दुनिया उतनी ही सुरक्षित होगी। अपने आत्मसम्मान के लिए आत्मरक्षा करना जरूरी होता है। तो आइए और जुड़िए हमारी इस चतुर चौकड़ी के साथ। पुलिस वुमन की एक्टिविटी में एक 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन क्षेत्र शोध। एक पुलिस वुमन से जाकर बात कीजिए। पूछिए उसे कि वो किस तरह पुलिस तक पहुंची और क्यों उन्हें ये नौकरी से लगाव है। उन्हें पुलिस वुमन बनने में कितना खर्चा लगा और अब क्या मुनाफा है। दूसरा दिन और रिसर्च। पुलिस एकेडमी में क्या क्या सिखाया जाता है पता कीजिए। ये भी पता कीजिए कि पुलिस के अलावा सेल्फ डिफेंस में और क्या क्या करियर बनाए जा सकते हैं। तीसरा दिन पुलिस स्टेशन की जानकारी। पुलिस स्टेशन में कौन से लोग आते हैं और किस तरह की सहायता चाहते हैं। लोगों से बात कीजिए और पता लगाइए कि एक अच्छी पुलिस ऑफिसर कैसी होती है। चौथा दिन दल के साथ मीटिंग। अपनी टीम के साथ ये तय करें कि आगे और शोध की जरूरत है
या आपके पास सारी जानकारी है और जानकारी की जरूरत हो तो फिर शोध कीजिए। पांचवा दिन, प्लान बनाना। साथ आकर अपना प्लान बनाइए और आगे टीचर को दीजिए। फिर दूसरी कहानी चुने, उन्हें देखे, पढ़े और एक्शन ले, क्योंकि जवान उद्यमी कभी नहीं रुकते। अब एक और कहानी देखते हैं, बढ़ते कदम, जिसमें हम जानेंगे कि रीवा स्पोर्ट्स कोच कैसे बनती है। फुटबॉल सिर्फ हमारे लिए खेल नहीं है, बल्कि जिंदगी है, और जिंदगी तो अपनी शर्तों पर जी जाती है। अब जिंदगी है तो संघर्ष भी है। अरे फुटबॉल वापस करो, इसके पीछे भागोगी तो खाना बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? लेकिन हम भी हार ना मानने वालों में से एक है। Never give up। फिर चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी। ये स्पोर्ट्स कोच भी ना, लड़कों को हर बार सही समय पर फुटबॉल सिखाने पहुंच जाते हैं, और हम लड़कियों का क्या? निकलो यहाँ से, लड़कों को खेलने दो। पिंकी, ये छोटे कपड़े पहनकर खेलना, बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है। लोग क्या कहेंगे? किसी ने छेड़छाड़ की तो कौन जवाब देगा? वो टीम ही क्या जो मुश्किलों में बिखर जाए? टीम वर्क के भी कुछ मायने हैं। लगातार अभ्यास और सेल्फ डिसिप्लिन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है, लेकिन हमारा मुकाबला सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज से भी। हम ईमानदार थे तो हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए। दिल तो हम जीत ही रहे थे, अब मैच जीतने की बारी थी और हम जीते। मुश्किलें कितनी भी हो, उनके लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, उसके बाद ही परिवर्तन आता है। फिर चाहे बात आपकी जिंदगी की हो या फिर समाज की, ये है हमारी कहानी। और मैं हूँ रीवा, एक फुटबॉल खिलाड़ी और स्पोर्ट्स कोच। बढ़ते कदम 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के ग्रुप में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र में शोध। स्पोर्ट्स कोच के पास जाइए, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे, उनसे जानिए कि स्पोर्ट्स कोच का जीवन कैसा होता है। यदि वो इस काम को व्यवसाय के तौर पर चुनते हैं तो इस क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं? ये देखे कि कितनी महिला कोच है और कौन से खेलों में, इसकी सूची भी बनाइए। सारी जानकारी के नोट्स बनाना और फोटो लेना ना भूले। दूसरा दिन, क्षेत्र में फिर से शोध। स्पोर्ट्स कोच से जाकर पूछे कि वे कौन सा खेल सिखाते हैं, क्या वे सभी उम्र के लोगों को सिखाते हैं, क्या महिलाओं के लिए उनका कोई स्पेशल बैच है। आपको क्यों लगता है कि महिलाओं का इस क्षेत्र में होना जरूरी है? तीसरा दिन, एक दल बनाकर अलग अलग खेलों के स्पोर्ट्स कोच से मिलने जाइए और उनसे पूछे कि उन्होंने स्पोर्ट्स कोच बनाने के लिए कौन सा कोर्स किया, कहां किया, कितनी फीस लगी, कितना समय लगा। चौथा दिन, एक स्पोर्ट्स एकेडमी के मालिक के पास जाइए और उनसे पूछिए कि वो अपने व्यवसाय कैसे चलाते हैं, पूंजी, मुनाफा, कर्मचारी और वेतन, हर चीज के बारे में जानकारी ले। पांचवा दिन, अब मिली हुई जानकारी के आधार पर अपनी व्यवसाय योजना बनाकर अपनी शिक्षिका को मूल्यांकन के लिए दीजिए। इसके बाद आपको गेट अ प्लान की अगली कहानी देखनी है और उसकी शोध योजना को अमल में भी लाना है, क्योंकि एक सच्चा खिलाड़ी योजना को सच बनाने में यकीन रखता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का भाग 2 पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, भाज्य संख्या की परिभाषा, HCF तथा LCM। प्रमेय 1.2 यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी भाज्य संख्या को अगर हम गुणनखंडित करें यानी उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अद्वितीय होता है। यानी जैसे 6 का गुणनखंडित करें हम तो 2 गुने में 3, तो 6 को गुणनखंडित करने पर हर बार 2 गुने में 3 ही आएगा। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यानी किसी प्राकृतिक संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। चलिए अब देखते हैं इस प्रमेय में प्रयोग होने वाले भाज्य संख्या की परिभाषा। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाएं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्रथम कुछ भाज्य संख्याएं हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 तथा 16। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने में 2, यानी 4 एक से तो विभाजित होती है और 4 से विभाजित होती है और एक और 4 के अलावा 4 2 से भी विभाजित होती है। इसी प्रकार 6 बराबर में 2 गुने 3, 6 एक तथा 6 के अलावा भी दो अन्य संख्याओं से विभाजित होती है जो कि है 2 तथा 3। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। संख्याओं 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का हल निकालते हैं। सबसे पहले हमने 26 का अभाज्य गुणनखंड किया जो है 2 गुने में 13। इसके बाद हम 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो है 7 गुने में 13। अब इन दोनों में ही 13 जो है वो सामान्य है यानी कॉमन है, तो HCF जो है 26 और 91 का वो हो जाएगा 13 तथा LCM होगा 26 और 91 का 2 गुने में 13 गुने में 7। चलिए देखते हैं कैसे आया। अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कुछ इस प्रकार था, 26 बराबर 2 गुने 13 तथा 91 बराबर में 7 गुने में 13। तो हमने पहले लिखा ये 2 गुने में जो दोनों में ही समान है जो कि HCF है इसका, वो गुने में बचा हुआ 7। इस प्रकार हमने सभी संख्याओं को लिख लिया है, बस जो सामान्य है यानी कॉमन संख्याएं जो है उसको एक बार लिखना है। इस सबको गुना करने पर 182 आता है, तो 182 LCM है 26 तथा 91 का। ध्यान दीजिए 26 तथा 91 का HCF बराबर है 13, यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसी प्रकार LCM 26 और 91 का है 2 गुने में 7 गुने में 13 जो कि बराबर है 182 के, वो क्या है? वो है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यानी HCF होता है जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है तथा LCM होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्याओं 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने में 2 गुने में 3, 15 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुने में 5 तथा 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुने में 7। अब आप देख सकते हैं कि तीनों में ही 3 उभयनिष्ठ है, यानी HCF 12, 15, 21 का होगा 3। चलिए LCM देखते हैं। LCM के लिए हमने तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया है, तो LCM आएगा
2 × 2 × 3 × 5 × 7 जो कि आएगा 420। इसमें हमने क्या किया है, 2 फिर ये 2 हमने लिखा है, 3 जो तीनों में ही कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखा है, 5 की सबसे बड़ी घात 1 है यानी एक बार 5 आया है तो 5 लिखा है, गुने में 7, 7 भी सिर्फ एक बार आया है तो हमने 7 लिखा है। तो आप देख सकते हैं इसमें 12 में 2 की सबसे बड़ी घात 2 है तो हमने 2 को 2 बार लिखा है, गुने में 3 की सबसे बड़ी घात 1 है तो हमने 1 बार लिखा है, गुने में 5 की सबसे बड़ी घात 1 है तो 5 भी एक बार लिखा है, तथा 7 की सबसे बड़ी घात 1 है तो 7 को भी एक बार लिखा है। इस प्रकार एलसीएम का मान आया है 420। चलिए देखते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी तथा उसके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ए और बी का एचसीएफ गुने में ए और बी का एलसीएम बराबर होता है ए गुने में बी। तो यह एक सूत्र है जिसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इस सूत्र पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। 306 तथा 657 का एचसीएफ 9 दिया है तथा हमें ज्ञात करना है 306 तथा 657 का एलसीएम। तो इस प्रश्न में हमें दोनों संख्याएं दी हुई है तथा दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। हम इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे जो सूत्र हमने पिछली स्लाइड में किया था, जो है एचसीएफ ऑफ ए और बी गुने में एलसीएम ऑफ ए और बी बराबर में ए गुने में बी। अब अगर हम इस सूत्र में दिए हुए मान को रखते हैं तो हमें मिलेगा 306 तथा 657 का एचसीएफ गुने में 306 तथा 657 का एलसीएम बराबर होगा 306 गुने में 657। अब हम यहाँ पर एचसीएफ का मान रखेंगे जो है 9, तो ये आएगा हमारे पास 9 गुने में 306 तथा 657 का एलसीएम बराबर में 306 गुने में 657। यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको आगे तो हमें प्राप्त होगा दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर में 306 गुने में 657 बटे में 9। अब हम इस 9 से 306 को काटते हैं कि 34 बार में कटेगा, तो दोनों संख्याओं को अब गुना करेंगे, 34 गुने में 657 ये आएगा 22338 यानी 306 तथा 657 का एलसीएम 22338 है। तो इस वीडियो में हमने आज सीखा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, भाज्य संख्या की परिभाषा, एचसीएफ तथा एलसीएम। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि अध्याय का अगला भाग यानी कि दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने भारत में कृषि के महत्व को जानते हुए कृषि की विशेषताओं पर चर्चा की थी।
आज के इस अध्याय में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों में प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। उसके उपरांत फसल प्रारूप, इसके अंतर्गत रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, कृषि आदिकाल से किया जाने वाला आर्थिक क्रियाकलाप है। भारत में पाए जाने वाली विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थिति ने कृषि तंत्र को समय के अनुरूप प्रभावित किया है। इस तरह भारत में कई प्रकार की कृषि की जाती है, उनमें प्रमुख हैं प्रारंभिक जीविका कृषि। दोस्तों, प्रारंभिक जीविका कृषि यह अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। खेती के औजार भी काफ़ी परंपरागत हैं, जैसे लकड़ी का हल, कुदाल और खुरपी। इससे जमीन की जुताई गहराई से नहीं हो पाती। इसमें जैसे तैसे बीजों को बो दिया जाता है और फसल पकने पर उसे काट लिया जाता है। कृषि में आधुनिक तरीके से किए जाने वाले निवेश का अभाव रहता है, इसलिए उपज भी कम ही होती है। दोस्तों, इस तरह की प्रारंभिक कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम होता है। कर्तन दहन प्रणाली भी इसी प्रकार की प्रणाली है। इसमें किसान खेती के टुकड़े पर उगी हुई जंगली घास या वनस्पति को काट देता है और उसे जलाकर साफ कर देता है और तब उसमें फसल बोता है। इस तरह की खेती में उत्पादन अपनी जीविका चलाने के लिए किया जाता है। जब खेत की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो किसान उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में इस तरह की खेती को झूम कृषि कहा जाता है और कुछ क्षेत्रों, मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद की कृषि है गहन जीविका कृषि। यह कृषि देश के अधिकांश हिस्सों में की जाती है। जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, वहां पर इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। दोस्तों, इस कृषि में श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। परंपरागत कृषि कौशल का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है। दोस्तों, गहन जीविका कृषि में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। जनसंख्या अधिक होने की वजह से अधिक उत्पादन भी जनसंख्या के लिए कम ही पड़ता है। यही कारण है कि किसान अपनी फसल का व्यापार नहीं कर पाते। अगली कृषि है व्यापारिक कृषि। नाम के अनुरूप ही इसमें फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती हैं। यही कारण है कि इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है। अतः किसान अपनी लगाई गई पूंजी से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन आधुनिक तकनीकों में अधिक पैदावार देने वाले परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। इस कृषि पद्धति को भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब और हरियाणा में अपनाया गया। दोस्तों, रोपण कृषि भी इसी प्रकार की एक व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में उद्योग की भांति मैनेजर तथा मजदूरों की व्यवस्था होती है। इसमें प्राप्त उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि रोपण फसलें हैं। चलिए दोस्तों, अब फसल प्रारूप की बात करते हैं। भारत में भौतिक विविधता सांस्कृतिक विविधता को जन्म देती है। यह विविधता यहाँ उपजाए जाने वाले विविध फसलों, उनके प्रारूप पद्धतियों में परिलक्षित होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें, दलहन, तिलहन, पेय फसलें, रेशे वाली फसलें, फल सब्जियाँ इत्यादि उगाई जाती हैं। इन विविध फसलों की उपज हम यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न ऋतुओं के अनुसार कर पाते हैं। यहाँ ऋतु संबंधित तीन प्रकार के फसल समूह को हम उपजाते हैं, जिसमें पहली है
रवि की फसल। रवि की फसल को जाड़े के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर तथा सरसों आदि हैं। रबी की फसलों की खेती देश के विस्तृत भाग में की जाती है, किंतु देश के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश रबी की फसल के लिए ही जाने जाते हैं। यही वह क्षेत्र है जहां हरित क्रांति के फलस्वरूप हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए थे। दोस्तों, हरित क्रांति की अपनी आवश्यक शर्तें हैं। पहला है तकनीकी, दूसरा है अधिक उपज देने वाले HYV बीज, अगला है सिंचाई के साधन, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई। हरित क्रांति के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अब कई पर्यावरणीय समस्याएं उभर कर सामने आने लगी हैं। हरित क्रांति की वजह से आने वाले पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में आप लोग घर से लिख कर लाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ फसल भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसमें उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल धान है। बाकी अन्य फसलों में मकई, ज्वार, अरहर तथा मूंग, मूंगफली और सोयाबीन तथा कपास हैं। दोस्तों, धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा महाराष्ट्र में की जाती है। भारत में जहां अधिक वर्षा होती है वहां धान की तीन फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों, अगली फसल है जायद की फसल। खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद या गर्मा फसल के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से धान, मकई और सब्जियों की खेती की जाती है। दोस्तों, भारत में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की खेती होती है और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। भारत में कुछ शुष्क क्षेत्र भी हैं जहां पर ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिलहन और दाल प्रमुख फसल हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने कृषि के प्रकारों में प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि के बारे में चर्चा की और फसल प्रारूपों में रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल की चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भारत की मुख्य फसलें चावल और गेहूं की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम मोटे अनाजों को भी जानने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कृषि। पहला प्रश्न है, अति प्राचीन काल से चली आ रही कृषि के तरीके को क्या कहते हैं? प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि, इनमें से कोई नहीं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी के हल, कुदाल, उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। कर्तन दहन प्रणाली को मेघालय में किस नाम से जाना जाता है? पलामू, झूम, दीपा, इनमें से कोई नहीं। रबी की फसल को किस समय बोया जाता है? अक्टूबर दिसंबर में, अप्रैल जून में, उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं, धान, उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं।
पिंटू आज स्कूल में क्या सीखा? आज स्कूल में क्या सीखा? पापा वो कोई नहीं, तू अपनी कॉपी ला, हम खुद ही देख लेंगे। देख लेंगे, समझ लेंगे। का देख लेंगे और का समझ लेंगे? जाइए भैंसिया को चारा देकर आइए। अरे ऐसा नहीं है, हम लोगों को अपने पिंटू के पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा हाँ? तो पिंटू को स्कूल कौन भेजता है? और अब तो पिंटू का कॉपी किताब भी हम लोग सही समय पे खरीद देते हैं, का पिंटू? हाँ। ओहो, सिर्फ स्कूल भेजना, कॉपी किताब खरीदना, ध्यान देना नहीं होता। ध्यान देने का मतलब है कि अपना पिंटू स्कूल में काका सीख रहा है, वो सब बात के जानकारी रखना। भक, का मजाक करते हैं जी, ये हम लोग कैसे जान लेंगे? अरे सब जान लेंगे, बहुत आसान है, हम बताते हैं। ये है सही का निशान। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हो उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में भी बोला गया था कि आप अपने सवालों को भी नोट कीजिएगा। आप इन सभी सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और यदि आपके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए, पहला नंबर है 970-951-9929 और दूसरा नंबर है 90255924-75। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए biharunnayan@gmail.com biharunnayan@gmail.com biharunnayan@gmail.com। तो बच्चों मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10वीं के होंगे और आज की तरह हम कुछ कहानियां भी देखेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।